हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, तो फिर आज फिर से आ गए हैं। और जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि कंप्यूटर कंप्यूटर्स के लिए हम क्लास यहाँ पर लेकर आए हैं आज फिर से। तो आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? साउंड वगैरह सबको क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। तो किसी को कोई कल वाली क्लास में से कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फैजान, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम कवर करा सकूं, पर क्योंकि डेज लिमिटेड है तो जितना हो सकता है उतना कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आ रही है आवाज सबको? चलिए बढ़िया। तो आज कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने कल कहा था कि सर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कराइए, तो आज का टारगेट 50 क्वेश्चन करने का है। आज का टारगेट 50 क्वेश्चन करने का है। तो फटाफट से सेशन वगैरह जो है शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग जो है हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेशन शुरू करें फटाफट से। अल्पना कहीं नहीं गया था, यहीं था मैं। टेंशन मत लो मेरी, मैं कहीं नहीं जाता। चलो तो सेशन शुरू करते हैं और बीच बीच में आप लोगों के डाउट्स जो है मैं लेता रहूंगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, काफी बच्चों को ये शिकायत है कि आप जो है टाइम ज्यादा ले रहे हो, क्वेश्चन कम करा रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो यूट्यूब पर जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आपको दिखने में थोड़ा 10-15 सेकंड का लैग होता है। अगर मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा, बिल्कुल आपको इग्नोर कर दूंगा, तभी वो सेशन जो है स्पीड से चल पाएगा। अगर आप ये चाहते हो तो आज लो, फिर आपको देखूंगा ही नहीं कमेंट, क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे मैसेज दिखने में, जब मैंने बोल दिया, मेरे बोलने के मेरे को 30 सेकंड बाद दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी अपने हिंदुस्तान में 5G नहीं आया है बच्चों। जब आ जाएगा तब क्या पता ये भी दिक्कत सॉल्व हो जाए। चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप करेंगे। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा रिलेशनशिप सिमेंटिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स इज रेफर्ड एज। अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स जो आपके सारे कंप्यूटर के डाटा और उस डाटा के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो कंस्ट्रेंट्स है, उस सबको जो है डिफाइन करता है, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 डाटा मॉडल कहते हैं, नंबर 2 ईआर मॉडल कहते हैं, 3 डीबीएमएस कहते हैं, 4 ऑल ऑफ दीज कहते हैं, या 5 नन ऑफ दीज कहते हैं। मैसेज बिल्कुल डालते हैं ऐश्वर्या टेलीग्राम पे, आज भी मैसेज डाला है, आप जाकर चेक करो। चलो जी, फटाफट से इसका आंसर दो, फटाफट से इसका आंसर दो। ओके, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। डीबीएमएस 3-3। अब मेरे को कुछ बच्चे यहां पर क्या डीबीएमएस की फुल फॉर्म बताएंगे? क्या डीबीएमएस की एब्रीविएशन की फुल फॉर्म बता सकते हो मेरे को? अगर आपसे एग्जाम में डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती तो आप क्या बताते? इसका कोई आंसर बता पाएगा कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल लर्निंग यहां पर है, और जिनको मेरे सेशन से प्रॉब्लम है कि सर आप टाइम ज्यादा लेते हो, वो प्लीज सेशन की उनको पीपीटी जो है, जो पीडीएफ है, वो पोर्टल पे मिल जाएगी। वो वीडियो पे टाइम ना वेस्ट करें, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो भी ज्यादा डिटीरियोरेट ना हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है आपका डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल जो होता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जो ऑर्गेनाइज करता है सारे एलिमेंट्स को डाटा के, और उनको स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, तो डाटा मॉडल इसको बोलते हैं। जो कंसेप्चुअल टूल होते हैं जो सारा डिस्क्राइब करता है सारा सिस्टम। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? डाटा मॉडल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल, डीबीएमएस की फुल फॉर्म आप लोगों ने बिल्कुल सही दी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों? डेटा मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following domains is used for profit businesses? इनमें से कौन सा डोमेन प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए यूज होता है? अब देखो, आपकी कई वेबसाइट्स होती हैं .com से एंड होती है। जैसे आप यूट्यूब पर अभी सेशन देख रहे हो तो www.youtube.com कर लिखते हो, वैसे ही कई वेबसाइट्स होती हैं जो .edu से होती हैं, कई .net से होती हैं। ठीक है, तो इनमें से बिजनेस जो प्रॉफिट वाले जो बिजनेस होते हैं, वो इनमें से कौन सा मॉडल यूज करेंगे? .com वाला, .edu वाला, .net वाला, या तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए।
ठीक है ऐश्वर्या, टेकन योर पॉइंट, कल से ये भी कर देंगे। चलिए तो .com स्किप, स्वप्निल बोल रहे हैं .net। चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका जल्दी से, क्या आंसर है इसका बच्चों, .com है। edu जो टर्म आपकी बेसिकली यूज करी जाती है, ये एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है, और ये नॉन प्रॉफिट जो वेबसाइट्स होती है उनके लिए होता है। सिमिलरली जो .net फ्रेमवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर ही चलता है, ठीक है, जो आपका .net फ्रेमवर्क है। इट इंक्लूड्स अ लार्ज क्लास लाइब्रेरी नेम्ड एज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड्स लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर जो है इंटरऑपरेबिलिटी जो आपका .net स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए .com जो है डोमेन लेना पड़ेगा, अगर आप ग्लोबल जाना चाहते हैं। अगर यहां पर .in भी होता, ठीक है, .in किस लिए होता है कि वो जो वेबसाइट्स है वो सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सेसिबल होंगी, उसमें खर्चा कम आता है। अगर कोई अब स्टार्टअप है और उसकी जो मार्केट है वो हिंदुस्तान में है, तो .com के लिए उसका ज्यादा खर्चा आएगा, .in के लिए उसका कम खर्चा आएगा। अगर वो डोमेन नेम लेगा तो वो .in वाला डोमेन नेम प्रेफर करेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड, अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कौन से रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं डाटा ट्रांसफर करते हुए आपके नेटवर्क के ऊपर, बताइए इसका आंसर जल्दी से। बोलिए, जल्दी बोलिए। निक तो आपकी जो सरकारी वेबसाइट होती है ना वो होती है .nic जो बनती है। चलिए चलिए जी, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो होता है, इट इज अ डाटा, जो लिस्ट ऑफ रूल्स होती है जो आपको डाटा ट्रांसफर करने के समय आप नेटवर्क पे यूज करते हैं, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून शक्ति, गुड आफ्टरनून। तो प्रोटोकॉल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से। कैटेगरी कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस में एक जो एक क्वेश्चन आता है आपका कि भाई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताइए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये कैटेगरी कंप्यूटर अवेयरनेस को हटा देना, ये हमारे डेटाबेस में से जब स्लाइड में मैंने डाला तो ये कैटेगरी के अंडर था ना, तो वो आ गया, तो इसको इग्नोर करो। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, जिसको आप क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हो, ये एक लाइसेंस के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, आप पैसा दोगे, लाइसेंस के थ्रू आपको ऑथराइज किया जाएगा, आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो और उसमें जो भी कॉपी या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो सोर्स कोड है वो आम जनता के साथ, यानी ये नहीं है कि वो ओपनली उसको शेयर कर दिया जाएगा पब्लिक के साथ, उसको क्लोज्ड रखा जाता है, उसको सिर्फ लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है जी। ओपन सोर्स में क्या होता है, वो पब्लिक डोमेन में ओपनली अवेलेबल होगा। ओपन सोर्स में क्या होगा, पब्लिक डोमेन में ओपनली अवेलेबल होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, इनमें से कौन सी मेमोरी चिप ज्यादा तेज होती है, DRAM, RAM, SRAM, ऑल ऑफ दीज या none of these। अब DRAM, यहां पर मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में ही दे दिया, पर एग्जामिनर नहीं देगा, एग्जाम में नहीं दी जाएगी। यहां पर जो DRAM और SRAM की मैंने आपको फुल फॉर्म्स दी हुई है, एब्रीविएशन दी हुई है, तो यहां पर ये जानबूझकर मैंने दी है, लेकिन एग्जाम में नहीं होगी, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन में से आपके लिए सबसे पहले लर्निंग क्या है कि DRAM की फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी फुल फॉर्म, DRAM की, ठीक है जी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DRAM स्टैंड फॉर, या आपको DRAM एक टर्म दे देगा, उसमें कह देगा कि डी बताओ कि DRAM में क्या है, या आर बताओ DRAM में क्या है, या ए बताओ या एम बताओ, इनमें से कोई भी टर्म जो है वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना ये वाला। तो DRAM में होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम तो आपको पता ही है रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी, और SRAM होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, फास्टर कौन सी होती है, फास्टर होती है आपकी SRAM। अब SRAM और DRAM में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, है तो दोनों ही रैम के टाइप्स, पर SRAM और DRAM में डिफरेंस क्या है, जो आपकी SRAM है ये ट्रांजिस्टर को यूज करती है, लैचेस को यूज करती है, उनसे बनती है, और आपकी DRAM जो इसमें कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। SRAM जो है आपकी फास्ट होती है और DRAM जो है आपकी वो कंपैरेटिवली SRAM से स्लो होती है, और SRAM जो है वो कैचे मेमोरी का यूज करती है और DRAM आपकी मेन मेमोरी का यूज करती है। अब आप अगर हार्ड डिस्क देखो, आजकल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपकी जो रैम होती है वो जनरली SRAM होती है, बिकॉज वो फास्टर होती है, ठीक है। लेकिन जो DRAM होती है इसकी मेमोरी जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SRAM, ठीक है, या फिर आप इसको SRAM भी कहते हैं, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो फटाफट से, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गोली की तरह। और सेशन को शेयर कर दो प्लीज, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। देखो शेयर करने से अपनी नॉलेज बढ़ती है, ये मत सोचना कि मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्या है, द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड, ठीक है, जो एक्चुअल साइज है मेन मेमोरी का उससे उसकी कैपेसिटी को, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती है। बताइए इसका आंसर जल्दी से। बोलिए बोलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो। विवेक का आंसर आ गया टू, वर्चुअल स्टोरेज टू टू टू। चलिए ठीक है, तो वर्चुअल स्टोरेज इसको बोलते हैं। अब वर्चुअल स्टोरेज इज नॉट इटसेल्फ अ एक्चुअल स्टोरेज, ठीक है, एक्चुअल में वो स्टोरेज नहीं होती, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो कंप्यूटर में होती है। अब होता क्या है, इसमें जो स्टोरेज रिसोर्स होता है उसमें से ये एब्स्ट्रैक्ट करके रखता है थोड़ी सी पहले से स्टोरेज, तो अगर आपकी स्टोरेज कम पड़ने लगती है तो ये आपको दिखा देता है और आपको यूजर को इल्यूजन हो जाता है कि मेमोरी लार्ज है, पर मेमोरी एक्चुअल में लार्ज नहीं होती, क्योंकि इसीलिए इसको वर्चुअल स्टोरेज जो है बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। A mistake in algorithm that causes incorrect results is called a mistake in algorithm that causes incorrect results is called a, बताइए algorithm में ऐसा error जो incorrect result दिखाएगा फिर आपको, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपका लॉजिकल एरर, ठीक है। तो लॉजिकल एरर अगर आप करते हो एल्गोरिदम में तो उससे आपको इनकरेक्ट रिजल्ट शो होएगा। अब आपका ऑप्शंस में एक टर्म थी सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में सिंटेक्स एरर वो एरर होता है जिसमें अगर आप करेक्टर्स का सीक्वेंस जो है वो गलत टाइप कर दो, जो आपकी कोडिंग होती है उस कोडिंग में आपने करेक्टर सारे सही डाले हैं पर उनकी सीक्वेंसिंग गलत कर दी। उसके बाद एक टर्म यूज होती है आपकी कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर क्या होता है, जहां पर जो आपका कंपाइलर होता है, जो आप जितनी भी आपने कोड क्रिएट किया है, जो प्रोग्राम क्रिएट किया है वो उसको कंपाइल करता है, या तो आपने कोडिंग में ही एरर कर दिया या फिर कंपाइलर में कोई एरर है, ठीक है, तो उससे आपका कौन सा एरर आता है, कंपाइलेशन एरर। आज के जो सवाल है थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो वो भी आप आंसर इजीली कर सको। इजी क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। चलिए अगला सवाल। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, बताइए। मुश्किल सवाल है और ये वाला मैं आपको कहूंगा रट लो, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिकल में समझने में जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा, जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है, जिसको सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को इंटीग्रेट अगर एक साथ कर दे तो उसको क्या कहते हैं, चलिए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, रजिस्टर, उसको क्या कहेंगे, रजिस्टर, ठीक है। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड अ रजिस्टर, ऑलराइट, क्लियर है ये वाला फैक्ट। चलिए
अगला क्वेश्चन देखें। देखो आज थोड़ा सा इंटरफेस मेरे ख्याल से स्लो चल रहा है, ठीक है, स्लो चल रहा है। यहां से मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लेट रिसीव हो रहा है, इसीलिए मुझे आपके रिप्लाईज भी लेट आ रहे हैं, पर हम चलते रहेंगे, जो आपके एरर होंगे वो मैं देखता रहूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द सिग्नल दैट अ कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर अ कमांड फ्रॉम द यूजर इज। अब कंप्यूटर जो है अगर आपको एक सिग्नल दिखाए कि हाँ भैया मैं तो तैयार हूं, तू कब काम करेगा, ठीक है, तू कब काम करेगा, तो बताओ वो कौन सा कमांड होती है, कौन सा सिग्नल होता है कंप्यूटर का, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ भैया अब तू काम कर ले, मैं तो तैयार हूं। तो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं प्रॉम्प्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मेंस का तो अभी लॉन्च हो जाएगा, बस मेंस का भी लॉन्च हो जाएगा फटाफट से प्रोग्राम, ठीक है जी। तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल प्रॉम्प्ट ही इसका सही जवाब है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर्स इन अनदर फाइल। डैश इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर्स इन अनदर फाइल। अगर ये सवाल मेरे को नहीं भी आता होता ना, तो मैं इसमें तुक्का लगा देता, मैं इसमें तुक्का लगा देता। कैसे? लॉजिकली सोच के। कंप्यूटर के कई क्वेश्चन तो लॉजिकली सोच के भी किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ बैच आएगा है ना काश, मेंस का भी टेंशन मत लो। चलिए बताइए फटाफट, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। थैंक यू शहजाद, हैव अ पिज्जा टुडे इफ यू आर लविंग इट। चलिए, डैश इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर्स इन अनदर फाइल। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है आपका फॉरेन की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी की बेसिकली आपके कोई टेबल है, कोई डिजिटल टेबल क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो उस की आइडेंटिटी की होती है एक तरह से, उस रिकॉर्ड की या उस टेबल की आइडेंटिटी की होती है। अब उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ये क्या ऑन कर रखा है फिर मैं? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? ओ प्यारे बच्चों, हेलो हेलो, स्क्रीन पे तो नहीं आया मैं, आ गया, आ गए वापिस आ गए। चलो शुरू करें क्लास। अरे काफी बच्चे भाग गए रे। अरे कोई बात नहीं, जो चले गए ऑफलाइन बीइंग ह्यूमन, हमने क्या करना है, जो रह गए वो पढ़ेंगे, जो चले गए वो चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आवाज वूज सारी, वीडियो ऑडियो सब पक्की है एकदम। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं, कहां तक देख लिया था हमने क्वेश्चन, ये देख लिए थे सारे, ओके, SRAM वाला भी देख लिया था, वर्चुअल स्टोरेज, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर भी समझ लिया था, इसके बाद फ्लिप फ्लॉप वाला भी देख लिया था, प्रॉम्प्ट वाला भी हो गया था हमारा, प्राइमरी की फॉरेन की वाला कंसेप्ट समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आ गया, चलो फटाफट आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नीडेड फॉर अ वेबसाइट। इनमें से क्या वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होता है? डेडिकेटेड सर्वर, वर्चुअल सर्वर, ऑफलाइन सर्विसेज, कैच सर्वर या नन ऑफ दीज? बताओ फटाफट, बताओ आंसर दो अब जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दो,
ठीक है, तो 1212 डेडिकेटेड सर्वर बोल रहे हैं, मिलेगी मिलेगी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चलो तो आंसर डेडिकेटेड सर्वर ही है। तो डेडिकेटेड सर्वर बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेंटल एंड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सेट कर दिया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर कनेक्शन इंटरनेट सब कुछ जो है वो उस कंप्यूटर में देखा जाता है, और इसके लिए आपकी वेब होस्टिंग कंपनीज जो है उनके प्रीमाइसिस में ये सारा काम होता है। आप में से कोई मुझे वेब होस्टिंग कंपनी के एग्जांपल दे सकता है? अक्सर एक वेब होस्टिंग कंपनी की बहुत ज्यादा टेलीविजन पे एड भी आती है, धोनी भी आता था उस एड में, ठीक है, बहुत ज्यादा एड आती है। एक बिग डैडी, विच वन, बिग डैडी इज एन एग्जांपल ऑफ वेब होस्टिंग कंपनी। आज सब कुछ खराब चल रहा है, पेन भी जो है लीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी रुकेंगे नहीं। तो बिग डैडी, ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल है। ओ सॉरी, गो डैडी है यार, सॉरी सॉरी, गो डैडी है, बिग डैडी नहीं। ये कंप्यूटर को चलाने के चक्कर में और सारा सेटअप करने के चक्कर में दिमाग थोड़ा सा गोल हो गया है। गो डैडी है, गो डैडी, ओके ओके, बिग डैडी नहीं है, पता नहीं क्यों बिग डैडी दिमाग में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी मेमोरी को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम को, डायनेमिक रैम को, ईपी रोम को, रोम को, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए इसका आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बोलो। और मुझे यहां पर बच्चे आरओएम और ईपी आरओएम की भी फुल फॉर्म बताएंगे, ROM और EPROM की फुल फॉर्म। चलिए तो ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ROM की क्या होती है, ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इजीली इसका आंसर कर सकते हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो देखा ही नहीं। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम जो है वो ऑटोमेटिकली पर सेकंड में बहुत ज्यादा बार खुद को रिफ्रेश करती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जानना चाहता है। डैश इज अ टेक्निक मेड पॉसिबल बाय अ स्पेशल प्रोग्राम अवेलेबल ऑन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स। डैश इज अ टेक्निक मेड पॉसिबल बाय अ स्पेशल प्रोग्राम अवेलेबल ऑन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स। सुपर जैपिंग, वेंडलाइजिंग, स्पैमिंग, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब जब मैं क्वेश्चन बना रहा था मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर सही दे दिया था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। करेक्ट आंसर नहीं पता तो ये तो पता चल सकता है ना कि रॉन्ग आंसर कौन से हैं इनमें से। अगर करेक्ट हमें ना भी पता हो तो गलत तो हमें पता होते हैं ना कि ये तो गलत है, तो गलत वालों को हम एलिमिनेट करके सही वाले पे पहुंच सकते हैं। दो आंसर, जल्दी से आंसर दो। ओके, काफी लोगों ने स्किप किया। स्पैमिंग, स्पैमिंग इज अ स्पेशल प्रोग्राम अवेलेबल ऑन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स, दैट इज नॉट डन माय फ्रेंड। बिल्कुल गलत है मीनल, नो, स्पैमिंग गलत है। तो आंसर इसका क्या है बच्चों, सुपर जैपिंग। तो सुपर जैपिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जो आपके स्पेशल प्रोग्राम होता है ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स पे, और ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या करता है, ये सारे कंट्रोल सिस्टम्स को बाईपास कर देता है। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, ठीक है, और वो ना वो रीस्टार्ट हो पा रहा है, ना उसके नॉर्मल रिकवरी प्रोसीजर्स आप फॉलो कर पा रहे हो, तो आपका जो ये सुपर जैपिंग का प्रोग्राम होगा, इट एक्ट्स लाइक अ मास्टर की, ठीक है, ये मास्टर की तरह एक्ट करेगा और आपको आपके सिस्टम से एक्सेस प्रोवाइड कराने में
हेल्प करेगा। तो मतलब अगर आप डिजास्टर एड इसको बोल सकते हो, इट एक्ट्स लाइक अ डिजास्टर एड। अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है और आपने नॉर्मली सारे जो है टोटके अपना लिए हैं, बाबाओं को भी दिखा लिया है, ठीक है, उनकी धूली से भी या उन्होंने धुआं जो किया इसको उससे भी ये कंप्यूटर नहीं चला, तो आपको सुपर जैपिंग जो है वो करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब ये अगर रॉन्ग हैंड्स में अगर कोई कंप्यूटर ऐसा चला गया जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो सुपर जैपिंग का फंडा समझ आ गया, एक तरह की आपकी ये मास्टर की है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, चलिए जल्दी से पूछिए किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो। और बाकी बच्चों को साथ में जोड़िए, जो भी आपके दोस्त यार चले गए हैं उनको बताओ कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। टेक्निकल एरर आया तो सब लोग ऐसे भागे जैसे पता नहीं कौन सा भूकंप आ गया हो, है ना। चलो अगला सवाल, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स मेलिशियस फंक्शंस सच एज एक्सट्रैक्टिंग अ यूजर्स पासवर्ड और अदर डाटा और इरेजिंग द हार्ड डिस्क। तो मतलब कि लफड़े वाली चीज है, क्या है लफड़े वाली चीज। अब इस क्वेश्चन में से सुपर जैपिंग को तो इजीली जो है एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि वो तो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सुपर जैपिंग क्या होता है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तीन ऑप्शन, वैंडलिज्म, स्पैमिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इनमें से एक इसका आंसर है। बताइए बताइए इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलो ओके, अंश कह रहे हैं थ्री, स्पैमिंग नहीं, गलत है। चलो मैं पहले ही बता दूं स्पैमिंग इसका आंसर नहीं है, गलत है। स्पैमिंग गलत है भाई, स्पैमिंग दे रहे हैं सारे लोग आंसर, नहीं इसका आंसर है वैंडलिज्म। आसान क्वेश्चन था, स्पैमिंग तो बहुत इजी टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। पेपर से सात दिन पहले एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको स्पैमिंग जैसे जो बेसिक टर्म्स हैं जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज होती है वो पता होनी चाहिए, और इसके लिए आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो वो भी जरूरी नहीं है। तो वैंडलिज्म जो है टर्म यूज होती है, स्पैमिंग किस लिए यूज होता है, स्पैमिंग जो वर्ड होता है उसमें क्या होता है कि यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम होता है। आपकी जो ईमेल पे मेल आती रहती है ना, ये खरीद लो, ये क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये वाटर प्योरिफायर लगवा लो, तो ये सारे स्पैमिंग के एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, क्लियर। चलें, वैंडलिज्म जैसे कि आप कहते हो ना कि बिल्डिंगें तोड़ दी, तोड़ फोड़ कर दी, आपका डाटा इरेज कर दिया, वैंडलिज्म होता है, जैसे राइटिंग में भी होता है, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट है यहां तक, अगला क्वेश्चन ले लूं, कोई बात नहीं, बीइंग ह्यूमन नहीं आता तो अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। कोई डाउट है किसी को, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंडिविजुअल कंप्यूटर इन बॉटनेट ग्रुप इज नोन एज अ डैश कंप्यूटर, ठीक है। बॉटनेट क्या होता है, बेसिकली वो आपके बॉट्स लग जाते हैं उस पर, मतलब कि वो जो सिस्टम है उसको कोई इंसान नहीं चला रहा, वो ऑटोमेटिकली उस पर एक तरह का रोबोट आप लगा लो कि ऑनलाइन बैठा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से, दीजिए दीजिए इसका आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। बॉटनेट में अगर जो बॉटनेट अगर एक पूरा सर्कल है, 10 रोबोटिक कंप्यूटर्स बैठे हैं, तो उनमें जो सिंगल इंडिविजुअल कंप्यूटर होता है उसके लिए क्या एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वो क्या टर्म होती है बताइए, वो क्या टर्म होती है। वन 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 शहजादी कह रही है थ्री, मेलिशियस स्पाईवेयर, नो इट्स नॉट अ स्पाईवेयर, स्पाईवेयर इज समथिंग एल्स। फैजानी सिंह रूट किट, चलिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है जॉम्बी, ठीक है। तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, जॉम्बी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जॉम्बी। वो होते हैं ना आड़े तिरछे से जॉम्बी, वो गेम्स भी आती हैं, वो भूत से ऐसे चल रहे होते हैं, है ना, तो वही वाले जॉम्बी इनको बोला जाता है, बिकॉज कोई लिविंग ह्यूमन बींग नहीं बैठा होता इनके ऊपर, ये रोबोटिक सिस्टम से चल रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश आइकन एंड बोल्ड मैसेज हेडिंग इंडिकेटिंग दैट द ईमेल मैसेज हैज नॉट बीन रेड, द डैश आइकन, ठीक है, लिफाफा ईमेल में दिखता है, ठीक है, तो वो कैसा दिखता है, हाईलाइटेड एनवेलप जैसा दिखता है, क्लोज्ड एनवेलप, ओपन्ड एनवेलप या ऑल ऑफ दिस। जब आपने कोई ईमेल आपके पास आई है पर आपने उसको भी रीड नहीं किया, आपने अपना मेल बॉक्स खोला, जो अनरेड मेल है उसमें क्या दिखेगा, क्लोज्ड एनवेलप दिखेगा, ओपन्ड, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, कंप्यूटर नॉलेज की तो इसमें बात ही नहीं है, बेसिक अगर आप अपना दिमाग यूज करोगे तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो दो इसका आंसर,
2, 2, तो चलो ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा। क्लोज्ड एनवेलप इसका बिल्कुल सही जवाब है, जब आप खोलते हो वो बंद चिट्ठी सी आती है ना ऐसे बनी हुई, तो वही जो है आपका शो करता है कि आपने अभी इस ईमेल को रीड नहीं किया है। इस तरह के बेसिक से सवाल कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये बिल्कुल बोनस क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस स्पेशली ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट्स। बहुत हाई स्पीड से अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है डिजिटल डिवाइसेस के बीच में, तो कौन सी इसमें से आपका जो है सिस्टम यूज किया जाता है? यूएसबी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, आईडीई जिसको बोलते हैं। तो आईडीई की यहां पर एब्रीविएशन भी अब आपको पता चल गई, आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एससीएसआई, फायर वायर या नन ऑफ दीज, बताइए। मैं बढ़िया हूं हरमन जीत, आप कैसे हैं बताओ, इसका आंसर बताओ हरमन जल्दी से, क्या आप कहेंगे उसको? ओके, वन, मुझे पता था सारे वन बोलेंगे, पर यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है। यूएसबी से क्या दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स, जो दोनों ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स हैं। दोनों इक्विपमेंट्स क्या है? ऑडियो और वीडियो। चलिए, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? फायर वायर। क्या है इसका आंसर? फायर वायर। फायर वायर से दो आपकी ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट्स के बीच में काफी स्पीड से आप जो है डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऑप्शन फोर जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन फोर इसका सही जवाब है। यूएसबी इसका सही जवाब नहीं है। यूएसबी में, यूएसबी के थ्रू आप दोनों ऑडियो वीडियो डिवाइसेस का डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते उन दो डिवाइसेस के बीच में, उसके लिए आपको फायर वायर यूज करना पड़ेगा। यूएसबी में बेसिकली आपकी पेन ड्राइव या डाटा केबल जैसी जो चीजें हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिकेशन दैट कंबाइंस वीडियो एंड ऑडियो इनटू अ सिंगल डिजिटल इंटरफेस। दो इसका आंसर, वीडियो एंड ऑडियो इनटू अ सिंगल डिजिटल इंटरफेस। एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस में आपकी ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करके फेंक के मारेगा। दीजिए इसका आंसर, दीजिए। चलो, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? HDMI। और HDMI के अब आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। मैंने जब पहली बार HDMI यूज किया था तो मैंने वो लैपटॉप से अपने टीवी को कनेक्ट करके मूवीज देखने के लिए यूज किया था, ठीक है। तो वहां से मुझे इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चली थी। वो HDMI वायर आती है, एक साइड आपकी लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है, दूसरी साइड टीवी में कनेक्ट हो जाती है, फिर आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन, सॉरी टीवी की स्क्रीन पे उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मैंने मूवीज देखने के लिए लिया था उसको, ठीक है, ताकि मैं अपना लैपटॉप, क्योंकि छोटी स्क्रीन रहती है तो टीवी की बड़ी स्क्रीन पे मूवी देख सकूं, इसीलिए लिया था। तो HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो इंटरफेस को ट्रांसमिट करता है, अनकंप्रेस्ड फॉर्म में करता है वीडियो डाटा को, और कंप्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड डिजिटल ऑडियो डाटा को, ठीक है। तो इतना ही आपको इसके लिए याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने ये याद रख लेना है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा ये याद कर लेना है कि ऑडियो और वीडियो को मिला के दे के मारेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ऐसे देसी भाषा में याद करोगे तो जो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने किसी ने भी यहां पर कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, IIT में नहीं जाना है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, वो भी गाजर वाला, ठीक है, गाजर वाला हलवा क्वेश्चन है, बताओ। दिस क्वेश्चन इज अ गाजर हलवा क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डिफॉल्ट अगर आप प्रिंट का कमांड देते हो तो किस में निकलेगा? पेज सेटअप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप तो कुछ होता ही नहीं प्रिंट में, ठीक है, वो तो पेज सेट करने के लिए या प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए होता है। तो किस फॉर्म में निकलता है? पोर्ट्रेट मोड में। तो ऑप्शन टू जो है बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो फिर अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, तो ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हो,
ठीक है, कि भाई सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपका मतलब प्रोसेस पूछना चाहता है कोडिंग में, बताओ 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 बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो। जल्दी से आंसर करो। स्किप कर दिया काफी बच्चों ने। चलो तो इसका आंसर क्या है बच्चों, कोडिंग। सबसे पहले करोगे कोडिंग, फिर उस कोडिंग को कंपाइल करोगे, फिर चीजों को लिंक करोगे, और फिर लास्ट में आपकी पार्सिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है जनरली प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो जो बच्चे 5 इसका आंसर बोल रहे हैं वो गलत बोल, हेलो आ गए फिर से आ गए। हाँ बच्चों, आज थोड़ा सा ज्यादा जो है इशू आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। देखो हुआ हो क्या रहा है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी रेनोवेशन वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। नया स्टूडियो बना रहे हैं आपके लिए बढ़िया एकदम, पेंट वेंट करा के, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा एरर आ रहा है। कोई बात नहीं, कल पेश, अगर अभी आप तंग हो रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, कोई चक्कर नहीं है, रिकॉर्डेड यूट्यूब पर रहेगा ही, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब सबको आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल आवाज़ वगैरह आ रही है ना। चलो जल्दी जल्दी सवाल देखते हैं यार, आज ना थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर लाइट का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो जो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाला जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, ठीक है। तो अभी आगे एक सवाल भी आएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लो तुम्हें अभी बता दिया। यूपीएस, यूपीएस यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में, ताकि अगर एकदम से लाइट चली जाए तो आपका सिस्टम जो है एकदम से बंद ना हो जाए, ठीक है, आपका सिस्टम एकदम से बंद ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है यूपीएस। चलो तो क्वेश्चन अब दोबारा से देखते हैं और थोड़ा स्पीड से देखेंगे अब, ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्वेश्चंस में, बिल्कुल ही गोली की तरह एकदम। कहां तक देख लिया था हमने, सुपर जैपिंग के बारे में पढ़ लिया था, वेंडलिज्म देख लिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे बॉटनेट, बॉटनेट में हमने देखा था कि सिंगल कंप्यूटर को बोलते हैं जॉम्बी, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो ईमेल आईडी होती है उसमें आपका क्लोज्ड एनवेलप और बोल्ड में अगर कोई मैसेज दिख रहा है मेल बॉक्स में, तो इसका मतलब आपने अभी वो मेल नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट, उसके बाद की बात अगर हम करें, नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस, दो डिजिटल डिवाइसेस में फास्ट स्पीड पे अगर आपको ऑडियो और वीडियो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके बीच में डाटा शेयर करना है तो किससे होगा, वो होगा आपका फायर वायर से। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि भैया कौन जो है वीडियो और ऑडियो को कंबाइन करके सिंगल डिजिटल इंटरफेस बना के फेंक के मारता है, तो वो कौन सा है आपका HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट, डिफॉल्ट अगर आप प्रिंट की कमांड देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में, किस मोड में, तो आपका वो है जो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होगा, किस मोड में प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट मोड में। चलिए अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज, हमने देखा था कि एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है उसमें क्या प्रोसेसिंग फॉलो की जाती है, तो पहले आपकी होती है कोडिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग और फिर पार्सिंग, तो ये चार जो है इसमें होते हैं। चलिए, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अब नया सवाल आ गया, नया सवाल आ गया, फटाफट से आंसर देंगे और फटाफट से इसमें जो है
हम आगे देखते रहेंगे. डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू स्टिम्युलेट एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटेम्प्ट करता है कि आपका वो स्टिम्युलेट कर सके एब्स्ट्रैक्ट मॉडल. ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है. जो नए नए खिलाड़ी होते हैं उनका अनाड़ीपना निकालने के लिए और उनको खिलाड़ी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, और वो है आपका कंसोल. तो एक कंप्यूटर सिम्युलेशन होता है या कंप्यूटर मॉडल होता है, ठीक है, जिस पर आप सिम्युलेट करके जो है क्रिएट कर सकते हो मॉडल्स को. ठीक है, कोई साइंस का मॉडल आपको क्रिएट करना है, कोई टेक्नोलॉजी का, कोई एंटरटेनमेंट का मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके सिमुलेशन जो वर्जन्स हैं वो ये होते हैं. चलिए नेक्स्ट. डैश यूजुअली रेफर्स टू अ टर्मिनल अटैच्ड टू अ मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम एंड यूज्ड टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द सिस्टम. बताइए, डैश यूजुअली रेफर्स टू अ टर्मिनल अटैच टू अ मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम एंड यूज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द सिस्टम, कि भाई सिस्टम का स्टेटस कैसा चल रहा है. तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है बच्चे वो कंसोल. कंसोल, कंसोल में आप देखते रहते हो कि हाँ आपका क्या सिस्टम चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे. डैश इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. ठीक है जी, ये computer software की बात यहाँ पर हो रही है, जो design किया जाता है कि hardware को जो है run किया जा सके और software applications को run किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? Application software बोलते हैं, system software बोलते हैं, software बोलते हैं, operating system बोलते हैं, या none of the above बोलते हैं? इसका answer आप लोग दोगे, जल्दी से इसका answer आप लोग दोगे, क्या बोलते हैं? चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए. जल्दी से आंसर दीजिए. चलिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाता है, इसको क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है ये. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज. हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया जाता है टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको अनऑथराइज्डली कोई एक्सेस ना कर पाए, उसको बोलते हैं बच्चों आपके फायरवॉल. क्या बोला जाता है उसको? फायरवॉल. ठीक है, क्या हुआ शहजादी, इतना मायूस चेहरा काहे बना रही हो, क्या टेंशन है? अरे टेंशन नहीं लेने का यार, जीवन में टेंशन नहीं लेने का. चलो फायरवॉल बिल्कुल सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए किस लिए स्टैंड करता है? डीएमए का क्या मतलब है? नंबर वन डिजिटल मेमोरी एक्सेस, नंबर टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नंबर थ्री डिस्टिंक्ट मेमोरी एलोकेशन, नंबर फोर डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, या नन ऑफ दीज. डीएमए एब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन है. डीएमए किस लिए स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है डीएमए? सो बच्चों डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. DMA stands for Direct Memory Access. चलिए आग वाली दीवार, फायरवॉल को दमन कह रहे हैं आग वाली दीवार. इस तरीके से चीजें अगर याद रहती हैं तो करिए, बेशक करिए. चलिए डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट. डाटा ट्रांसमिशन को इंटरनेट पे कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए. चलिए तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है आपका प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल पहले भी हमने देखा, प्रोटोकॉल ही बोलते हैं सारे जो ये फंडे यूज होते हैं, इनको प्रोटोकॉल ही बोले जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है. टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर, जो आज हमारे साथ हुआ, ठीक है, वैसे अक्सर नहीं होता है लेकिन आज हुआ क्योंकि थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. ठीक है, तो प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर,
क्या यूज किया जाता है उसके लिए? यूपीएस, दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. अगर सिस्टम एकदम लाइट भी चली जाती है तो सिस्टम आपका एकदम से शटडाउन नहीं होगा, वो उसको उठा लेगा. ठीक है जी. चलिए अगला सवाल. द डैश प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग अ सेशन बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेसेस. ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग अ सेशन. होता क्या है कि अगर आपका सेशन जो है आपकी कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद हमने सिस्टम को दोबारा से ऑन किया, उसको दोबारा से रिकनेक्ट किया, तो इसका जो ये सारा मैकेनिज्म है, जो ये प्रोसेस है जिसमें ये हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी लेयर होती है जो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है कंप्यूटर सिस्टम में? फिजिकल लेयर उसको बोलते हैं, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, या नन ऑफ दीज? शहजादी. शहजादी ने बिल्कुल शहजादों वाला आंसर दिया है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर दिया है. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या है? सेशन लेयर. सेशन लेयर इसका बिल्कुल सही आंसर है. चलिए, तो सेशन लेयर का एग्जांपल भी आपको यहां पर दिया है, जैसे ओएसआई प्रोटोकॉल सूट होता है, ठीक है, जिसका ये अजीब सा नाम है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. कनेक्शन लॉस होता है तो प्रोटोकॉल जो है वो रिकवर करने की कोशिश करता है उस कनेक्शन को. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल आपसे जानना चाहता है कि कौन सी शॉर्टकट की यूज करी जाती है अगर आप करंट स्लाइड को एमएस पावर पॉइंट में कॉपी करना चाहते हो. अगर आप करंट स्लाइड को एमएस पावर पॉइंट में उसका डुप्लीकेट जो है वो बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या, कौन सी जो है शॉर्टकट की यूज करी जाएगी, बताइए. हाँ, तो बीइंग ह्यूमन तुमने भी दिया, बिल्कुल सही दिया, पर शहजादी ने तुमसे पहले दे दिया था, तो है ना, कंपटीशन यही तो है दोस्त, कंपटीशन यही तो है. जो पहले आ गया, जिस बंदर के हाथ में पहले केला लगा, वो सिकंदर. ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कंट्रोल प्लस डी. अगर आप एक पावर पॉइंट की स्लाइड को कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट उसका बनाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस डी. कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, पर यहां पर वर्ड डुप्लीकेट यूज हुआ है. यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है? डुप्लीकेट. तो आपको डुप्लीकेट अगर करना है, डुप्लीकेट में क्या होता है, उसका सब कुछ कॉपी हो जाएगा एज इट इज. ठीक है जी, वैसे ही डुप्लीकेट एक स्लाइड बन जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कंप्यूटिंग, डैश रेफर्स टू रिवर्टिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बैक टू एन ओल्डर वर्जन. अगर आप अपने कंप्यूटर को, आपने फॉर एग्जांपल आपने ये मोबाइल लिया या आपने कोई कंप्यूटर लिया, तो आपने उस मोबाइल के अपडेट आते रहते हैं रेगुलरली, आपने उस मोबाइल को, इस मोबाइल को अपडेट कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप इसके जो, जब आपने खरीदा था, जिस वर्जन में जब ये आपको फोन जब आपने खरीदा तब मिला, ये उस वर्जन में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करते हो? ठीक है, मोबाइल में तो क्या टर्म यूज होती है? फैक्ट्री रीसेट. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री रीसेट. लेकिन आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें कौन सी टर्म यूज होती है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर, डाउनग्रेडिंग इसका बिल्कुल सही जवाब है. उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? डाउनग्रेडिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर्ड इन एनी वे. ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो बना हुआ है, आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, दैट इज रेडी टू रन. ठीक है, जैसे ही आप उसको अपने सिस्टम में डालोगे, वो अपने आप जो है काम करना शुरू कर देगा, उसको क्या बोलते हैं? दीजिए इसका आंसर, दीजिए जल्दी से. जल्दी से आंसर दीजिए. हां जी, इंटरप्रेटर. विजय कह रहे हैं इंटरप्रेटर. प्रोग्राम दैट इज रेडी टू रन, और उसको कुछ भी आपको अल्टर करने की जरूरत नहीं है. बेसिक यार, बेसिक अगर कंप्यूटर का नहीं भी पता कुछ, तो टर्म्स को तो देखो, पांचों ऑप्शन को तो पढ़ो, इंटरप्रेटर, हाई लेवल, कंपाइलर, कोबॉल, एग्जीक्यूटेबल. अब अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चनों में तुक्के लगाने हो, तो मैं तो लगाया आता हूं.
ठीक है, जब मैं एग्जाम देता था ये वाले, तब मैं तो लगाया आता था। कैसे? एग्जीक्यूटेबल, कि भाई जो चीज तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एग्जीक्यूटेबल, ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको कुछ ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस डाला पका पकाया हलवा, जैसे दमन कह रहे हैं कि पका पकाया हलवा गर्मा गर्म एकदम आपके सामने लाकर रख दिया। चलो अगला सवाल, इफ यू वॉन्ट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप, दिस इज कॉल्ड, अगर आपको अपने किसी आइकन को डेस्कटॉप पर मूव करना है तो वो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है जो आपके सामने है, अब मुझे इसको हिलाना है, ऐसे ऐसे मुझे करना है इसको, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे एक जगह से उठाकर इसको अगर यहां पर लगाना है, मैंने यहां पर लगा दिया, या फिर मैंने इसको दोबारा उठाकर यहां पर लगा दिया, तो ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, ये बताओ क्या होएगा, ये सारी जो अभी मैंने हरकत करके दिखाई आपको, ये स्लाइड ऐसे हिलाकर दिखाई, ये क्या था? पॉइंटिंग था, ड्रैगिंग था, शिफ्टिंग था, हाईलाइटिंग था, क्या था? इजी है बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? ड्रैगिंग, ठीक है, तो ड्रैगिंग करना पड़ता है, अगर आपको डेस्कटॉप पर ही फाइल जो है डेस्कटॉप पर ही उसकी मूवमेंट करनी है तो उसको आप क्या कहोगे? ड्रैगिंग कहोगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलैप्स्ड टाइम बिटवीन द एंड ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द बिगिनिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज, जो टाइम जो आपका आपने जहां पर कंप्यूटर में कुछ डाला, कंप्यूटर में लिखा आपने, कंप्यूटर में लिखा कि 25 × 25 क्या होता है, कंप्यूटर में आपने कैलकुलेटर खोला और उसमें डाला 25 × 25, फिर कंप्यूटर ने माइक्रो सेकेंड्स के टाइम में आपको बता दिया कि 25 × 25 = 625, तो जब आपने 25 × 25 लिखने के बाद एंटर किया और जितनी देर में कंप्यूटर ने आपको 625 आंसर बता दिया, तो जो ये बीच का माइक्रो सेकेंड्स का टाइम था इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल आसान सवाल है, ऑप्शंस देख के इजीली इसका आंसर कर दोगे। सीक टाइम नहीं है आंसर, निलेश गलत है, एक्सेस टाइम गलत है, ओके अगेन शहजादी, आज शहजादी के आंसर्स बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। कितनी देर में कंप्यूटर ने, आपने कंप्यूटर से कुछ मांगा और कंप्यूटर ने आपको कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये रिस्पॉन्स टाइम होएगा, ठीक है जी। बेसिक सवाल है, कोई ज्यादा इसमें चक्कर नहीं है, समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो, किसी को कोई यहां तक डाउट है तो पूछ लो फटाफट। पूछ लो भाई, पूछ लो। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट स्लाइड में जो आपके टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, और यहां पर किसकी स्लाइड की बात कर रही है, की जा रही है आपकी पीपीटी स्लाइड की, जो आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड होती है ना, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके टेक्स्ट को होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर, या नन ऑफ दीज, बताइए इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका पीडीएफ शहजादी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर एक फ्री नबार्ड कोर्स करके आगे आपको फ्री नबार्ड कोर्स के आगे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां जाकर आप रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करने के बाद हर वीडियो के ऊपर जो हमारे पोर्टल के ऊपर सेम वीडियो डली रहेगी और उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर व्यू डॉक्यूमेंट दिखेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो तो आंसर क्या है इसका बच्चों? प्लेस होल्डर्स, जो ऑब्जेक्ट जिनमें आप टेक्स्ट प्लेस करते हो एक स्लाइड के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ प्रोडक्ट विद द न्यू वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ प्रोडक्ट विद द न्यू वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, क्या कहते हैं उसको? अभी हमने पीछे डाउनग्रेडिंग का एग्जाम्पल देखा था, अब ये किसका एग्जाम्पल है? न्यू वर्जन, मोबाइल है मेरा, ठीक है, जब मैंने खरीदा इसमें एंड्रॉइड का कोई एक वर्जन था, उसके बाद मैंने इसको अपग्रेड कर दिया, इसको अपडेट किया, तो इसमें नया वर्जन आ गया एंड्रॉइड का, तो क्या इसमें आंसर हो जाएगा? अपग्रेडिंग, सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A device driver acts like a dash between the device and OS. A device driver acts like a dash between the device and the OS. OS क्या है आपका? OS की full form बताओ क्या है? Computer में OS क्या दिखाता है? OS represents what in computer language? OS. OS क्या होता है? बोलो जल्दी. What is OS? चलो OS बताओ. जो OS की full form सबसे पहले बताएगा, जो OS की फुल फॉर्म सबसे पहले बताएगा वो अगर पेड कोर्स लेना चाहता है. चलो शुभम दास, शुभम दास अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो क्लास के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा और आपको 50% ऑफ मिलेगा उस पर. ठीक है, क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा. नंबर ये रहा 9041244689, 50% ऑफ मिलेगा शुभम दास अगर आप लेना चाहते हैं, जो पेड कोर्स है हमारा करंट अफेयर्स का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या था? ट्रांसलेटर. ठीक है, आंसर हमने नहीं देखा था इसका. ट्रांसलेटर जो डिवाइस ड्राइवर होता है, जो डिवाइस और ओएस के बीच में लिंक बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग, डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट बिल्ड्स द कनेक्शन विद द अदर ब्रिज नेटवर्क्स विच यूज द सेम प्रोटोकॉल. बताइए बताइए. डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट बिल्ड्स द कनेक्शन विद द अदर ब्रिज नेटवर्क विच यूजेस द सेम प्रोटोकॉल. बताओ. जल्दी आंसर दो इसका. बीइंग ह्यूमन, पहले तो अपना नाम बताओ. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बताओ बताओ. बीइंग ह्यूमन तुम्हें भी 50% ऑफ दे देंगे. नाम तो बताओ अपना. नाराज काहे होते हो? अरे नाराज नहीं होना किसी ने भी. चलो इसका आंसर आ गया है. इसका आंसर क्या है बच्चों? ब्रिज. ठीक है, ब्रिज एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो बिल्ड की जाती है कनेक्टिंग दी अदर ब्रिजेस नेटवर्क. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो देगा, ठीक है पहले ही बता रहा हूं, अपने इंटरनेट जो है रिफ्रेश कर लो सिस्टम को. चाहे जो अब इसका आंसर देगा उसको भी हम 50% दे देंगे. कॉल कर लेना, 50% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है चलो. तो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने. ए यू आई स्टैंड फॉर, ए यू आई की फुल फॉर्म क्या है? अब फटाफट इसका आंसर दे दो. फटाफट जो इसका आंसर दे देगा उसका पक्का है. चलो जल्दी 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 आंसर दो इसका. ओके सबसे पहले शुभम दास का ही आंसर आया, तो शुभम को तो ऑलरेडी मिल चुका है. कोई बात नहीं, शुभम दास के अलावा कोई और आंसर देगा तो. दमन का आ गया 1 2 3. ये थोड़ी चलेगा यार, दमन 1 2 3 आपने सारे बोल दिए, 4 5 रह गया वो भी बोल दो. नहीं डिस्क्वालिफाइड. सैम सूरत कह रहे हैं 2. चलो देख लेते हैं क्या आंसर है इसका. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. तो किसी का भी ऑप्शन नंबर 4 आया नहीं था मेरे आंसर बताने से पहले. ठीक है, तो अटैचमेंट यूजर इंटरफेस, अटैचमेंट यूजर इंटरफेस. ए यू आई किसके लिए स्टैंड करता है? आपका अटैचमेंट यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो प्राइज मनी जीतनी है, अगर प्राइज में कुछ जीतना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. और ये जो चलाकियां है ना कि 1 2 3 4 5 सारे बोल दो, वो नहीं है. अगर आपने गलती से भी टाइप कर दिया इट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन एनी केस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दोबारा से अपॉर्चुनिटी. ठीक है तैयार हो जाओ, क्वेश्चन सामने आएगा जो सबसे पहले आंसर आएगा. ये रहा आपका सवाल. अरे और कर लेंगे, कोई बात नहीं. शिवानी पर मेरे आंसर देने से पहले कहा था क्या आपने? चलिए
ठीक है। तो और आंसर आपने पूरा लिखना है, जो भी लोग ये गेम में जिनको मजा आ रहा है वो आंसर पूरा लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो ये आ गया क्वेश्चन, अ सिस्टम कॉल ऑफ ओएस विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इज नोन एज, अ सिस्टम कॉल ऑफ आवर योर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, कर्नल, शेल, फॉग, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। चलो 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 आंसर दो इसका, क्या आंसर होगा, गूगल करके नहीं आंसर देना। और अगेन शुभम का आ गया, शुभम बड़े एक्टिव है शुभम, लेकिन एक बार में एक ही मिलेगा ना। उसके बाद शहजादी बेगम कह रही है फोर्क, ओके फोर्क फोर्क शेल, ओके ओके ओके। तो आंसर देखें पहले क्या है इसका, इसका आंसर है बच्चों फोर्क। चलो शहजादी बेगम ने इसका सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया था शहजादी, तो आपको अगर ये पेड कोर्स जो करंट अफेयर्स वाला जो चल रहा है अगर ये लेना हो तो आप प्लीज कॉल कर लेना, आपको 50% ऑफ उस पे करा दिया जाएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, टेंशन मत लो। चलो अगला सवाल देखते हैं, तो अभी के ये गेम यही रोके, तो शुभम और शिवांगी दो लोग कभी भी कॉल करके ले सकते हैं। चलिए जी अगला सवाल, द डैश प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ अ क्लाइंट एंड सर्वर एस्टैब्लिशेस एन एसएसएल कनेक्शन, द डैश प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ अ क्लाइंट एंड सर्वर एस्टैब्लिशेस एन एसएसएल कनेक्शन। ठीक है जी, 4689 इस पे कॉल कर सकते हो। बायस्ड बिहेवियर, नो इट्स नॉट अ बायस्ड बिहेवियर, नो इट इज नॉट अ बायस्ड बिहेवियर, इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन, एवरीवन वाज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। चलिए द डैश प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ अ क्लाइंट एंड अ सर्वर एस्टैब्लिशेस एन एसएसएल कनेक्शन, तो इसका आंसर है हैंडशेक, ठीक है हैंडशेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए, यूआरएल, बताइए। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बोलो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए तो ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल आसान है। और जो बच्चे ये बोल रहे थे कि मैं बायस्ड हूं, उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आएगा, ठीक है, एक बार और कंपीट करते हैं, मजा आ रहा है ना, ठीक है, कंपटीशन में मजा आता है, कंपटीशन से सीखते हैं बहुत कुछ, तो कोई बात नहीं, 50% की कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 50% अगर आपको कंपीट करके मजा आ रहा है तो एक बार और कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आ रहा है अब, और आंसर लिखोगे, आंसर पूरा लिखना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं चलेगा, आप लोग 1 2 3 4 कर देते हो। चलो तो ये रहा क्वेश्चन दो, अब इसका आंसर देखते हैं, सबसे पहले सबसे सही आंसर कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to containers used to store related documents located on a computer, इनमें से क्या refer करता है जो containers होते हैं जो store करते हैं आपके documents जो computer के ऊपर located होते हैं, labels, indexes, programs, folders या sections, बताइए बोलिए। ओके लक्ष्मी कह रही है फोल्डर, ठीक है ओके लेबल, ओके तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं क्या है इसका, फोल्डर आंसर है, तो लक्ष्मी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है,
लक्ष्मी आप भी जो है एलिजिबल हो जाती है 50% के लिए, आप भी कॉल कर सकती हैं और ले सकती हैं, ठीक है 50% आपको भी करा दिया जाएगा। क्या हुआ बीइंग ह्यूमन क्या, अरे ऐसे ही तो मजा आता है ना, सीखोगे ऐसे ही क्या हो गया, क्यों टेंशन है क्या तुमको, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलिए तो अगला सवाल देखें, दोबारा से खेलना है एक और राउंड। सर जी कनेक्शन चेक करो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, रुको मैं अभी चेक कराता हूं, अभी चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कर लिए, ये तीन बच्चे चलिए ओके। अरे संजीव कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a, अगर आप नेटवर्क की लेंथ इंक्रीज करना चाहते हो और बिना सिग्नल को डिग्रेड करे तो आप क्या यूज करोगे, गेटवे, रूटर, मॉडम, रिपीटर या रेसोनेटर? शहजादी, हाँ तो शहजादी बोला मैंने, क्या टेंशन क्यों ले रही हो? अरे हाँ ठीक है, शिवांगी नहीं हो, शहजादी हो, कोई बात नहीं, आंसर करो। रिपीटर आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ठीक है। चलो तो आंसर क्या है बच्चों इसका, रिपीटर ही इसका सही आंसर है। क्या आंसर है? रिपीटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अब, ठीक है आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन के लिए भी 50% अब एप्लीकेबल होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 50 कराने थे लेकिन पावर सप्लाई इंटरप्ट हुआ बीच में, तो उसकी वजह से अब नेक्स्ट क्लास चलता है 5 बजे एसएससी का, वो आप देख भी सकते हो इसी चैनल के ऊपर, 5 बजे अब एक क्लास चलेगा वो आप देख सकते हो, इंग्लिश का आपका क्लास रहता है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग अब ध्यान से देखो और आंसर जिसका सबसे पहले आ गया, मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर इंटरनेट स्लो चल रहा है या वो हो रहा है, कंपटीशन में देखो आप हर्डल्स तो आते ही हैं। चलिए तो ये रहा आपका सवाल, इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज अ प्रिंटर और स्कैनर, इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। बहुत आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, और पूरा आंसर लिखोगे, पूरा आंसर लिखोगे इसका, वही एप्लीकेबल होगा। बोलो पूरा आंसर लिखोगे, दमन आपने दो ऑप्शंस दे दिए, नहीं चलेगी बात। ओके विल गो विद अंश, अंश ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, अंश ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, दैट इज ड्राइवर, ठीक है। तो अंश आप भी अगर चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं 9041244689, ठीक है बच्चों। तो आज इतने ही क्वेश्चंस कर पाए, 50 क्वेश्चन का टारगेट था, बट वी हैव बीन एबल टू डू अराउंड 44 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है 44 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, क्योंकि अब एक 5 बजे क्लास है तो मुझे अब ये सेशन यहीं पर एंड करना पड़ेगा। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कल कॉल कर, कल जब मैं सेशन लूंगा, कल आपका जो सेशन होगा उसमें पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए सेशन को यहीं पर रोकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, कोई अगर कमी लगी हो, कुछ आपको प्रॉब्लम आई हो, आज जो बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हुआ उसके लिए भी अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए सॉरी, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, बाकी कमेंट में बता सकते हो, कोई अगर टीचर को गाली देनी है तो वो भी दे सकते हो, इट इज टेकन वेरी मच पॉजिटिवली।
चलिए चीटिंग नहीं, चीटिंग तो नहीं हुई है, चलो कल बात करेंगे, कल भी चला देंगे, कल भी खेलेंगे ये गेम। चलिए बाय बाय।